हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल टाइप ऑफ व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। माय नेम इज डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, कंप्लीटेड माय बीडीएस एज वेल एज एमडीएस इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी and I am practicing Lucknow city from many years. Today in this video I will be talking about the principles of dental elevators. So what we are waiting for, let us start the video. डेंटल एलिवेटर्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में अपने बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन भाई साहब आ रहे होंगे, उसको क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेंटल एलिवेटर्स तीन तरीके के होते हैं। फर्स्टली द लिवर प्रिंसिपल, सेकेंडली द वेज प्रिंसिपल एंड द लास्ट वन थर्ड वन इज द व्हील एंड एक्सियल प्रिंसिपल। चलिए बात करते हैं लिवर प्रिंसिपल के बारे में। Most of the dental elevator are work on this principle, so this is the most common principle. Dental elevators that are used for extraction of tooth is lever of first order. चलिए मैं आपको इस इमेज के थ्रू लिवर प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करता हूँ। लिवर प्रिंसिपल का छोटा सा बेसिक सा फंडा ये है कि कम एफर्ट में आप ज्यादा लोड उठा पाए। तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, एक तरफ है लोड जिसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एक तरफ है एफर्ट और बीच में आपको ट्रायंगल शेप का दिख रहा होगा, इसे फलक्रम बोलते हैं। फलक्रम से एफर्ट तक जो आर्म है, जो डिस्टेंस है, इसे एफर्ट आर्म बोलते हैं और फलक्रम से लोड का जितना डिस्टेंस है, जो आर्म है, इसे लोड आर्म बोलते हैं या इसे रेजिस्टेंस आर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा ये भाई साहब खड़े हैं और यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं एक एंड पे और दूसरे एंड में एक पत्थर, एक लोड रखा हुआ है, लोड को हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और बीच में एक है फलक्रम। तो फलक्रम से एफर्ट तक जो डिस्टेंस है उसे एफर्ट आर्म बोलते हैं और लोड से फलक्रम तक जो डिस्टेंस है इसे लोड आर्म बोलते हैं। लिवर प्रिंसिपल में हमेशा आप एक चीज ये हमेशा याद रखेंगे, जितना ज्यादा एफर्ट आर्म लंबा होगा और जितना छोटा लोड आर्म रहेगा तो उतना ही आप मैकेनिकल एडवांटेज गेन करेंगे। लिवर प्रिंसिपल में आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है दैट इज द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म टू गेन द मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आपने पिछले दो इमेजेस ध्यान से देखे होंगे तो ये इमेज आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। जो ये काली डंडी है इसे हम बोलते हैं अपना एलिवेटर और ये जो भाई साहब जहाँ फलक्रम दिखा रहे हैं ना, तो ये फलक्रम हमारा बोन होता है, इंटरडेंटल बोन, और जो ये टूथ है ये लोड होता है। फलक्रम से जो एफर्ट हम डालते हैं इसके बीच का जो आर्म होता है इसे एफर्ट आर्म बोलते हैं और फलक्रम से हमारा जो लोड की तरफ जो छोटा सा डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं लोड आर्म, जो कि छोटा होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो एफर्ट आर्म होता है वो हमेशा ज्यादा होता है लोड आर्म से। जब आप हैंडल पे अपना ग्रिप पकड़ेंगे और उस पे एफर्ट डालेंगे तो यहाँ पर जो ब्लेड जो प्लेस करते हैं बिटवीन द टूथ सर्फेस एंड अ बोन के बीच में ब्लेड अप्लाई करते हैं, ये जो है आपका जो लोड है, जो टूथ है, ये आपको बाहर निकाल देता है जैसे ही आप यहाँ पर एफर्ट डालना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे सामने कूपलेन एलिवेटर जो कि एक स्ट्रेट एलिवेटर है। अब हम फर्स्ट मोलर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए लिवर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है। हमने सबसे पहले उसको ग्रिप कर लिया, हैंडल में पकड़ लिया, उसके बाद हम ब्लेड को प्लेस करेंगे बिटवीन द इंटरडेंटल बोन एंड अ टूथ सर्फेस के बीच में। जरा आप देखेंगे कि हमें एडजेसेंट टूथ पे हमें प्लेस नहीं करना, हम इंटरडेंटल बोन पे प्लेस करेंगे जो कि फलक्रम की तरह काम करेगा। और जैसे ही हम एफर्ट हैंडल पे डालेंगे और देखिए अपने आप जो है फर्स्ट मोलर लग्जेट होने लगा है, हिलने लगा है अपने सॉकेट पे और इसको फिर धीरे धीरे हम निकाल देते हैं सॉकेट से। तो भाई समझ में आ गया लिवर प्रिंसिपल, अब वेज प्रिंसिपल की तरफ बढ़े। वेज प्रिंसिपल को समझना है बहुत आसान तरीका है। तो अभी आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, तो कुल्हाड़ी का काम क्या, आप कुल्हाड़ी पकड़ते हैं, देव मारते हैं लकड़ी के ऊपर, ससुराल लकड़ी जो है ना टूट जाती है,
स्प्लिट हो जाती है दो भाग। कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे वेज प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आप जब कुल्हाड़ी मारते हैं, लकड़ी दो हिस्सों में टूट जाती है। कैसे टूट जाती है? एक सरफेस ये आ रहा है, एक सरफेस ये आ रहा है, और ये एक पर्टिकुलर एंगल पे मिल रहा है। तो जितना शार्प आपका एंगल होगा, उतना ही ज्यादा आपका आउटपुट होगा और उतना ही ज्यादा आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा। इस इमेज में आप देख रहे होंगे, जो आपके सामने बड़ा सा दिख रहा है, भाई साहब पकड़े हैं एलिवेटर और कोशिश कर रहे हैं रूट को निकालने के लिए। जो प्लेसमेंट है ब्लेड पोर्शन की, जो वेजिंग है, वो आपका टूथ और बोन के बीच में रखा है। तो कहावत तो वही हो गई यार कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक म्यान है, उसमें ऑलरेडी एक तलवार पहले से है, मतलब कि वो हो गई आपकी रूट। अब आपने दूसरी तलवार ले ली, मतलब कि एलिवेटर लिया। आपने क्या किया, उसी म्यान के अंदर दूसरी तलवार डालने की कोशिश किया, मतलब कि आपने सॉकेट के अंदर एलिवेटर को प्लेस किया, वेज किया। जो पहले से तलवार म्यान के अंदर प्रेजेंट है, वो बाहर निकल आएगा, लूज हो जाएगा। तो यही काम होता है वेज प्रिंसिपल। जैसे ही आप प्लेस करेंगे, वेज करेंगे, टूथ और बोन के बीच में जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे, वैसे वैसे आपका जो टूथ है वो लूज हो जाएगा और निकल जाए। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल, मतलब कि व्हील एंड एक्सियल प्रिंसिपल। कभी आपने कुएं से पानी निकाला है? कभी आप गांव गए होंगे अपने, तो वहां देखा होगा कुआ हुआ है, ठीक है, वहां से लोग पानी निकालते हैं, पुराने लोग निकालते हैं। आज भी मैं अपने जब गांव जाता हूं ना, तो मैंने भी दो तीन बार कुएं से पानी निकाला है। तो सेम प्रिंसिपल जो है ना, आप अपने दांत को निकालने भी करते हैं, इसी को बोलते हैं व्हील एंड एक्सियल प्रिंसिपल। इस इमेज में आप देख रहे होंगे, ये जो भाई साहब खड़े हैं ना, इनको बहुत प्यास लगी है और ये चाहते हैं कि जो बकेट्स में जो पानी है ना, कुएं से जल्दी से निकले और हम पानी पी लें। तब ये क्या करते हैं, ये जो हैंडल है ना, इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। जब ये घुमाते हैं तो जो एक्सियल है ये भी रोटेट करता है, जिसपे रस्सी लपेटी होती है, और बकेट में जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। जो ये एलिवेटर है जो आपके सामने पड़ा है, ये है क्राय एलिवेटर, जो कि काम करता है व्हील एंड एक्सियल प्रिंसिपल पे। इसका जो डिस्टल रूट है वो निकल चुका है और मीजियल रूट बचा हुआ है। अब आपको मीजियल रूट निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? आपने क्या किया, सबसे पहले ब्लेड को डीप इन अ सॉकेट प्लेस कर लिया। जैसे ही आप उसको प्लेस कर लेंगे, आप क्या करते हैं, हैंडल को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। जब आप हैंडल को रोटेट करेंगे तो फोर्स जो है क्रिएट होगा ऑन अ ब्लेड, ब्लेड पे फोर्स क्रिएट हो जाता है, जो कि क्रिएट करता है ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज टू एलिवेट अ टूथ आउट ऑफ द सॉकेट। तीनों प्रिंसिपल समझ में आया? तो मैकेनिकल एडवांटेज तीनों प्रिंसिपल का कितना होता है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, चलिए बताता हूँ। लिवर प्रिंसिपल का मैकेनिकल एडवांटेज 3 होता है, वेज प्रिंसिपल का मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 होता है, व्हील एंड एक्सियल प्रिंसिपल का 4.6 मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अब हम बात करते हैं कौन सा एलिवेटर कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कैसे पहचानेंगे। अगर आपने एलिवेटर वाला वीडियो नहीं देखा है, डेंटल एलिवेटर्स वाला, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने उसमें ऑलरेडी बता दिया है कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं सीरेटेड स्ट्रेट एलिवेटर की। एलिवेटर वर्क करता है लीवर एंड अ वेज प्रिंसिपल पे, या फिर आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लीवर एंड अ वेज प्रिंसिपल। अब दूसरा एलिवेटर आता है जिसे हम बोलते हैं कूपलैंड एलिवेटर, लीवर और वेज प्रिंसिपल पे काम करता है। Now, the next elevator is apexo elevator. Apexo elevator ये pair में आता है और ये work करता है wedge and lever principle दोनों पे। Now, the next elevator is a cryer elevator. Cryer elevator होता है, ये wheel and axial principle पे काम करता है। इस पिक में आपको दिख रहा होगा, ये जो है winter crossbar elevator, इसको बोलते हैं मदर, और ये वर्क करता है wheel and axial principle पर। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अच्छा ही लगा होगा यार, इतना मेहनत करता हूँ तो लाइक कर देना, साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स फैमिली, और मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।